हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या नोटेशंस यूज होता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में. सो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या नोटेशंस यूज्ड. ठीक है, तो पहले जब हम लोग आते हैं स्टेट के ऊपर, तो ये स्टेट क्या है, क्या क्या स्टेट है और कैसे यूज होता है, क्या यूज होता है, तो पहले मैं आपको वो बता देती हूँ स्टेट क्या क्या है और उसका सिंबल क्या है. तो पहले हम लोग देखेंगे स्टार्ट स्टेट. ठीक है, तो ये स्टार्ट स्टेट कैसे डिनोट होता है. स्टार्ट स्टेट में क्या होता है, पहले तो मैं बता देती हूँ. स्टेट मतलब एक ऐसे नॉर्मल सर्कल होगा जिसके अंदर कोई भी अल्फाबेट लिखा हुआ रहता है. लेकिन स्टार्ट स्टेट में क्या होता है, वही जो आपका नॉर्मल स्टेट है उसके साथ एक एरो रहेगा, जो एरो के कहीं से नहीं निकलता है, वो बस एक इंडिपेंडेंट एरो होता है टुवर्ड्स द स्टेट. और बेसिकली आपको ये याद रखना है कि स्टेट मतलब एक सर्कल है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू है. और नॉर्मली हम लोग स्टेट को डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से. ठीक है, स्टेट हमेशा स्मॉल क्यू से ही डिनोट किया जाता है और स्टार्ट स्टेट डिनोट किया जाता है क्यू नॉट से. ठीक है, और आपका हो गया इंटरमीडिएट स्टेट. अब ये इंटरमीडिएट स्टेट क्या होता है, जो कि बीच वाला स्टेट है, तो वही है नॉर्मल स्टेट. वो कभी भी Q1 हो सकता है, Q2 हो सकता है, कोई भी स्टेट हो सकता है आपका. फिर मेनली हो गया फाइनल स्टेट. तो फाइनल स्टेट क्या होता है, जहाँ पे डबल सर्कल रहते हैं वो हो जाता है फाइनल स्टेट. तो उसको आप या फिर QF से डिनोट कर सकते हैं या फिर सीक्वेंस के हिसाब से ले रहे हैं. अगर Q1 से Q0 से स्टार्ट किया है तो 1, 2, 3, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि कौन सा लेना है आपको. ठीक है, तो वो हो गया स्टेट. अभी हम लोग देखेंगे कि उसका ट्रांजिशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. तो मान लीजिए एक हमारा स्टार्ट स्टेट है और यहाँ पे एक लूप है ऑफ 0. तो यहाँ पे इसका ट्रांजिशन फंक्शन होगा डेल्टा क्यू नॉट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. अब ये डेल्टा क्या है, ये डिनोट करता है ट्रांजिशन फंक्शन को. अब ये ट्रांजिशन फंक्शन क्या, ट्रांजिशन फंक्शन मतलब एक स्टेट के ऊपर हम लोग जब इनपुट सिंबल लेते हैं तो फ्रॉम द करंट स्टेट बाय टेकिंग द करंट इनपुट सिंबल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेट, वो होता है ट्रांजिशन फंक्शन. ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ ट्रांजिशन फंक्शन क्या है. करंट स्टेट और यू कैन से प्रेजेंट स्टेट प्लस इनपुट सिंबल इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेट. तो ये कंप्लीट चीज जो है वो डिटरमाइन करता है बाय यूजिंग द ट्रांजिशन फंक्शन और उसका सिंबल है डेल्टा. ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांजिशन फंक्शन विद द स्टार्ट सिंबल. और अगर मान लीजिए आपका एक स्टेट है यहाँ पे Q0 और दूसरा स्टेट है Q1 और यहाँ पे आपने लिखा हुआ है A, तो इसका ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा, डेल्टा Q0 ऑफ A इज इक्वल टू Q1. ठीक है, फिर मान लीजिए यहाँ पे दो स्टेट है Q0 A, B Q1. तो जब कॉमा रहता है इसका मतलब ये है कि दिस डायग्राम इज इक्विवेलेंट टू दिस. अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे दो इनपुट सिंबल लिए हैं एक स्टेट से, पर यहाँ पे दोनों इनपुट सिंबल एक ही साथ ले लिए हैं. तो कॉमा रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट इनपुट सिंबल ट्रांजिशन इन वन पर्टिकुलर वे, तो वो होता है कॉमा. तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको पता चल गया कि दो ट्रांजिशन फंक्शन हो रहा है. तो इसका ट्रांजिशन फंक्शन क्या क्या होगा, डेल्टा Q0 ऑफ A इज इक्वल टू Q1 एंड डेल्टा Q0 ऑफ B इज इक्वल टू ऑल्सो Q1. ठीक है, तो मान लीजिए और एक ट्रांजिशन फंक्शन है यहाँ पे Q0 है. अब यहाँ पे आपका A गया है, ये आपका Q1 फाइनल स्टेट है और यहाँ पे सेल्फ लूप है, तो सॉरी सेल्फ लूप B है. तो यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा Q0 ऑफ A इज इक्वल टू Q1 एंड डेल्टा Q1 ऑफ B इज इक्वल टू Q1. तो वो हो गया इसका ट्रांजिशन फंक्शन. तो ये तो हो गया हमारा नोटेशन ऑफ स्टेट. और इसके बाद हम लोग का और भी कुछ नोटेशंस है
जैसे कि ट्रांजिशन टेबल एंड ट्रांजिशन डायग्राम।